भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले अपने मित्र शैलेंद्र दुबे जी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे भारत की सबसे बड़ी बार में बुलाया इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए। यहाँ के सारे अधिवक्ता बंधु जो इस टीम में लगे हुए हैं ग्राहक पंचायत के, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित दोनों विद्वत जन को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे उपस्थित अपने भाइयों को प्रणाम करता हूँ, कुछ हमसे छोटे भी दिख रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद भेंट करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसका नाम अब 30,000 नहीं, अब इसका नाम होना चाहिए 50,000 कोट, क्योंकि 30,000 वाला आंकड़ा तो कब का टूट चुका है। इसलिए समय जैसे से परिवर्तित हो तो नाम वाम भी परिवर्तित करते रहना चाहिए। अब तो लगभग 50,000 हो गए यहाँ पे, मुझे बताया आपने, कई लोगों से मैंने चर्चा किया कि लगभग लगभग 50,000 हो, जो जैन ने भी बताया। एक्सीडेंटल एडवोकेट हूं मैं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूं। मुझे लगता है जो कुछ मैं कर रहा हूं सब एक्सीडेंटली हो रहा है, PIL भी एक्सीडेंटली है, पॉलिटिक्स में आया वो भी एक्सीडेंटल हुआ। इसलिए सब विधि का विधान क्या है उसके बारे में समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आज आपका विषय है ग्राहक पंचायत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे कैसे हुआ जाए। जब मैं मारुति में था तो जापानियों के साथ काम करता था, बहुत सारे जापानी होते थे। जापानियों का एक फर्म बिलीफ सिस्टम है, और उस बिलीफ को मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं। उनका यह मानना है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। ये जैपनीज का छोटा वाला बच्चा मुझे लगता है वो दो तीन साल से सीखना शुरू कर देता है कि कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, हर समस्या का समाधान है और सब कुछ संभव है। ये उनके प्राइमरी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, और जब उस सिलेबस को मैं देखता हूं तो लगता है ये तो हमारा गुरुकुल वाला सिलेबस है। मैंने जैपनीज एजुकेशन सिस्टम देखा, उनका सिलेबस करिकुलम, वो प्राइमरी में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ये सब नहीं बनाते। प्राइमरी का सिलेबस ये है वो सबसे अच्छा जापानी बने, उसको एनवायरमेंट की नॉलेज, उसको हेल्थ की नॉलेज, उसको मेंटल की नॉलेज, उसको पीस की नॉलेज, उसको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज, मतलब कैसे वो अच्छा जापानी बने। केवल और केवल 5 साल यही सिखाया जाता है जो पहले हमारे देश में होता था, जो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी जो थी। अब चूंकि हमारी गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, आज हम प्राइमरी से ही बच्चे को अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा, अच्छा इंजीनियर कैसे बनेगा, अच्छा ये कैसे बनेगा, वो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तव में, और ये नतीजा ये रहा कि आज जापान हमसे बहुत आगे निकल गया, हर फील्ड में आगे निकल गया। जापान में आपको कभी कभी आपने सुना नहीं होगा किसी जापानी ने जापान के लिए जासूसी किया हो, कभी जापान का सैनिक आपने सुना नहीं होगा उसने गद्दारी किया हो, कभी आपने किसी जापानी को देशद्रोह के मुकदमे में सुना नहीं होगा। हाँ, बाहर वाले वहां आके देशद्रोह करें अलग बात। मेरा व्यक्तिगत मानना है शिक्षा में संस्कार हो और कानून में कठोर दंड की व्यवस्था हो, ये दो चीजें ठीक हो जाए, व्यवस्था अपने आप अच्छी चलने लगती है। उत्तरकांड में लिखा हुआ है सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम के समय में सब लोग परस्पर प्रीति करते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, और सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। और उसी रामचरितमानस में लिखा है भय बिन होय, एक तरफ ये लिखा हुआ है सब परस्पर प्रीति करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है भय बिन होय,
दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा ऐसी हो संस्कार बढ़िया दे, दंड ऐसा हो कि कुछ गड़बड़ करने के पहले उसके रोए खड़े हो जाए। दो ही चीज, जिन देशों में दो चीज ठीक है वहां सब बढ़िया चल रहा है। उदाहरण के लिए 50 साल पहले दुबई रेगिस्तान था, ये अलग बात है, पिछले 2-3 दिन से वहां बाढ़ आई हुई है। 50 साल पहले दुबई कुछ भी नहीं था, क्या काम किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, दंड व्यवस्था कठोर बनाई। हम 1947 में आजाद हुए, हमसे 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। चीन ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, दंड व्यवस्था कठोर बनाई। सिंगापुर को देख लीजिए, 50 साल पहले सिंगापुर कुछ भी नहीं था, क्या किया उन्होंने, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया बनाई, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया और दंड व्यवस्था कठोर बनाई। 6 महीने पहले एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके पाया गया, उसको उठा के फांसी दे दिया, खत्म बात हो गई, दोबारा कोई गांजा वांजा लेके घूमेगा नहीं वहां पे। चीन में कुछ दिन पहले एक वहां के कंपनी के जीएम ने 2 लाख युआन एक ठेकेदार से ले लिया था, उठा के उसको फांसी दे दिया। अगले 2-4 साल तक कोई कंपनी का जीएम किसी ठेकेदार से पैसा नहीं मांगेगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरेत, विदुर जी ने बोला, राम ने बोला, भय बिन होय न प्रीत, भगवान राम ने बोला। हमने कहीं ना कहीं अपने नियम कानूनों में, अपने हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारे कथन है, उसको लिया नहीं, लागू नहीं किया। इंसान को ठीक करने का एक ही तरीका है, शिक्षा ऐसी हो ट्रैफिक नियम न तोड़े, और कानून ऐसा हो ट्रैफिक नियम तोड़ दे, उसकी गाड़ी परमानेंट जब्त कर लो। हालांकि केस तो आएगा, तब भी आएगा, केस में कमी नहीं होगी। अधिवक्ता सोच रहे हैं सारा गड़बड़ हो तो हमारा केस कैसे आएगा, अरे तब भी केस आएगा। शिक्षा ऐसी हो बहन बेटियों को आंख उठा के ना देखे, और दंड ऐसा हो आंख उठाने से पहले उसके रोए कांप जाए। शिक्षा ऐसी हो मिलावट खोरी करने की उसके अंदर से उसका मनी ना करे, और दंड ऐसा हो कि अगर मिलावट खोरी कर दे, मिलावट खोरी करने से पहले उसके रोए कांप जाए। शैलेंद्र जी, अभी 4 दिन पहले अलीगढ़ की कोर्ट ने एक फैसला दिया है, 2021 में नकली शराब पीने से 500 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। चूंकि ग्राहक पंचायत विषय है इसलिए मैं उसको बता रहा हूं, उसमें से 106 लोग मर गए, कई लोगों की आंख खराब हो गई, कई लोगों का लीवर खराब हो गया, कई लोगों की किडनी खराब हो गई, इतनी जहरीली शराब थी। 3 दिन पहले अलीगढ़ कोर्ट का जजमेंट आया है, 5 साल की सजा, 11,000 रुपए जुर्माना। मरे कितने, 106 लोग, घायल कितने हुए, 500 लोग, सजा कितनी, 5 साल की, जुर्माना कितना, 11,000। चलो हाई कोर्ट में जाएगा, जुर्माना 11,000 का 1 लाख हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा तो 2 लाख आ जाएगा। पता नहीं हमारे देश में कानून बनाते समय हमने ना अपना पुराना सिस्टम देखा, हमारे यहां जो नियम कानून बनते थे वो हमारी परंपरा क्या थी, हमने कानून बनाते समय ना ये देखा कि राजा विक्रमादित्य ने क्या कानून बनाया था, हमने ये नहीं देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कानून बनाया था, हमने ये नहीं देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जस्टिस सिस्टम था उसमें क्या व्यवस्था थी, हमने ये भी नहीं देखा कि युधिष्ठिर का जस्टिस सिस्टम क्या था, हमने ये भी नहीं देखा कि जो बृहस्पति जी महाराज ने न्यायिक व्यवस्था बनाई उसमें क्या सिस्टम था, ना अपना देखा ना बाहर का देखा। हम अपने कानूनों की तुलना करते ही नहीं है। शैलेंद्र जी ने बताया कि वो लिंक आती है आजकल खूब सबके पास, आप लोगों के पास भी एसएमएस आता होगा, लिंक आती होगी, अभी गूगल करिएगा। टर्की में एक आदमी ने लिंक भेजा था और बैंक अकाउंट हैक किया था, 345 साल की सजा हुई है, 345 साल की सजा हुई है। हमारे रोज अल्टीमेटली कुछ भी अपराध हो पीड़ित कौन है, ग्राहक, घूसखोरी से पीड़ित कौन है, ग्राहक, जमाखोरी से पीड़ित कौन है, ग्राहक, मिलावटखोरी से पीड़ित कौन है, ग्राहक, कालाबाजारी से पीड़ित कौन है, ग्राहक, नशा तस्करी से पीड़ित कौन है, ग्राहक, मानव तस्करी से पीड़ित कौन है, भारतीय, भारतीय भी कोई ग्राहक है।
जितने भी क्राइम है पीड़ित कौन है? भारतीय, और हर भारतीय ग्राहक है। हमारे देश में नौकरशाहों में एक बड़ी, उनके बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं है, आईएएस वगैरह क्वालिफाई करके आते हैं, अपना घर बनाना होगा तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। ये जो नौकरशाह जब अपना घर बनाते हैं तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे और 10 लोगों का घर जाके देखेंगे, और किसी एक के घर की नकल भी नहीं करेंगे, किसी एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, किसी के बेडरूम की नकल करेंगे, किसी की किचन की नकल करेंगे, और कोशिश करेंगे जो 10 घर देखा उन सबसे बढ़िया घर मेरा बने। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाता है, बनाना होता है, तो ये नौकरशाह 10 देशों का कानून नहीं देखते, ये नहीं देखते कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन वाला कहां है, यह नहीं देखते कि रेरा जैसा कानून दुनिया में जो चल रहा है वो सबसे बेहतरीन कौन सा है, यह नहीं देखते कि ड्रग स्मगलिंग के मामले में दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून कहां है। सिंगापुर के जस्टिस सिस्टम एक बहुत नॉर्मल वहां सिद्धांत अपनाते हैं, उनका यह कहना है कि जो अपराध एक्सीडेंटल हो जाते हैं, क्षणिक, इमीडिएट, रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड रेजिंग हो गई, गुस्सा आया, गोली मार दिया, उसको गंभीर अपराध नहीं मानते। उनका यह मानना है जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है वो गंभीर अपराध है। सिंगापुर की बेसिक फिलॉसफी यह है कि जो क्राइम पैसे के लिए किया जाता है वो अनप्लान्ड नहीं होता, एकाएक नहीं होता, क्षणिक आवेश में नहीं होता, वो बड़े प्लान करके होता है, और जो अपराध प्लान करके किया जाए उसमें कोई माफी नहीं और उसमें कठोर दंड होना चाहिए। और उनका यह भी कहना है सिंगापुर का और खासतौर पर जापान का भी, जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जरूर जब्त करना चाहिए। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त, जो अपराध देश के लिए खत्म किया, देश के खिलाफ होता है उसमें प्रॉपर्टी भी जब्त और नागरिकता भी खत्म। भारत में कितनी बार जासूसी की घटनाएं हो गई, किसी जासूस की नागरिकता खत्म हुई, जोर जोर से बोलिए, जासूस पैसे के लिए काम करता है ना, किसी जासूस की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी जासूस की नागरिकता खत्म हुई, किसी जासूस को आजीवन कारावास, फांसी हुआ, कानूनी नहीं है। ये जो 500 लोग बीमार हुए नकली शराब पी के, वो पैसे के लिए किया गया ना, नकली शराब बनाई कैसे, पैसे के लिए, क्या उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, नहीं, आजीवन कारावास, फांसी हुआ, नहीं, नागरिकता खत्म हुई, नहीं, 5 साल सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान नियम कानूनों को बदल के हो सकता है, 80% समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करके हो सकता है, 80% समस्याएं मानव निर्मित हैं, और मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। भूकंप लाइलाज हो सकता है, बाढ़ लाइलाज हो सकता है, सुनामी लाइलाज हो सकती है, दैवीय समस्याएं लाइलाज हो सकती हैं, लेकिन मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं। इलाज कैसे आएगा, इसकी दवाई कैसे बनेगी, दवाई स्वाभाविक सी बात वहीं बनेगी, संसद में बनेगी, विधानसभा में बनेगी। भारत में कुछ समस्याएं पूरे देश में हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए सजा अलग अलग होती है। आर्टिकल 14 को आप लोग पढ़िए, आर्टिकल 14 में लिखा है स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था 75 साल पहले हम जो संविधान बना रहे हैं आने वाले टाइम में कैसे कैसे लोग और समाज में आ जाएंगे, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से बनाया। आर्टिकल 14 में एक शब्द जोड़ दिया जाए जहां लिखा है आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए एंड शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड शैल सिक्योर, दो तीन वर्ड जोड़ना, एंड शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इतना करते ही क्या होगा कि समस्या अगर राष्ट्रीय होगी तो समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होगा। अब ग्राहक प्रोटेक्शन में एक बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है, कानून हमने घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून,
काला बाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, अवैध निर्माण का अलग कानून, जितनी समस्याएं उतना हमने कानून बना रखा है। जस्टिस सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? थाने से। थाने में एफआईआर कौन लिखता है? कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा है? जोर से बोलिए जरा, 12वीं पास। अब हम 12वीं पास कांस्टेबल को चाहते हैं कि वो सारे 50 कानूनों का जानकार हो। अरे भैया, कानून अगर हमारे इतने अच्छे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला अलग क्यों होता है? हाई कोर्ट का अलग क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट का अलग क्यों होता है? अरे जो कानून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो अलग फैसला दे रहे हैं। हाई कोर्ट वाला अलग दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट वाला अलग दे रहा है। वो हम चाहते हैं वो कानून 12वीं पास कांस्टेबल को क्लियर हो जाए और एफआईआर बढ़िया लिख दे। नहीं हो सकता। हमने जुडिशियल रिफॉर्म पे काम नहीं किया। ग्राहक जो कि 100% सारे भारतीय ग्राहक है, छोटा बच्चा 1 साल वाला जो दूध पीता है पाउडर वाला, वो भी ग्राहक है। अल्टीमेटली पाउडर तो उसके लिए आ ही रहा है, उसका तेल का मसाज हो रहा है तो भी वो भी ग्राहक है, तेल उसकी आ रही, खरीद के आ रही है, तो छोटा बच्चा भी ग्राहक है। उसका प्रोटेक्शन कैसे हो? प्रोटेक्शन में हमें लगता है संविधान में 2 बदलाव करना पड़ेगा, आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में डालना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी हमने स्टेट के ऊपर ड्यूटी नहीं डाली। आर्टिकल 14 में जैसे डाल देंगे स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वैसे ही भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू हो जाएगा, वन नेशन वन पिनल कोड लागू हो जाएगा। अभी भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं। अल्टीमेटली हम किसी लॉ का एनफोर्समेंट कैसे कराते हैं? मिलावटखोरी होगी, कालाबाजारी होगी, नशा तस्करी होगी, मानव तस्करी होगी, एनफोर्समेंट कौन कराएगा? पुलिस। और पुलिस कहां है? स्टेट सब्जेक्ट। बंगाल की पुलिस अलग काम करती है, दिल्ली की पुलिस अलग काम करती है, यूपी की पुलिस अलग काम करती है। तो जब पुलिस अलग अलग काम कर रही है तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन आएगा कैसे? इसलिए आवश्यकता यह है कि भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो, वन नेशन वन पिनल कोड हो। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 14 को बदला जाए, और आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए कितना चाहिए होता है? 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 2/3 लोकसभा में और 2/3 राज्यसभा में। इस समय जो लार्जेस्ट गठबंधन है वो कौन सा है? एनडीए। उसके पास 2/3 तो छोड़ो, उसको 50% मेजोरिटी भी नहीं उसके पास राज्यसभा में। 50% मेजोरिटी होती है 121, एनडीए के पास 117, यानी 50% से कम है। दूसरा क्या ऑप्शन है? ज्वाइंट सेशन में 2/3 हो। ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब टोटल 521 सांसद चाहिए आर्टिकल 14 को बदलने के लिए। 521 में से 117 निकाल दीजिए, कितने हो गए? 400। कितने हो गए? 400। तो यानी लोकसभा में 404 सीट आएगी, 117 राज्यसभा वाले, 404 लोकसभा वाले, तभी आर्टिकल 14 बदल सकता है, तब ग्राहकों का हित संरक्षित हो सकता है। अब की बार दूसरा आर्टिकल 19, ये बिजनेस करने का अधिकार मिला कहां से? आर्टिकल 19 से। राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू बिजनेस कहां से आता है? आर्टिकल 19 से। बोलने की आजादी, एसोसिएशन फॉर्म करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, रोजगार करने की आजादी कहां से आती है? आर्टिकल 19 से। लेकिन आर्टिकल 19 में कोई लिमिटेशन नहीं दिया। जैसे आप आर्टिकल 25 आप पढ़ोगे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो उसमें एक लिमिटेशन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। आप अपना राइट टू रिलीजन फॉलो करेंगे लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर होगा, सब्जेक्ट टू हेल्थ होगा, सब्जेक्ट टू मोरालिटी होगा। यह लिमिटेशन आर्टिकल 19 में नहीं डाला। नतीजा क्या हुआ? आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी है। अब संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था ये बोलने की आजादी को लोग झूठ बोलने की आजादी मान लेंगे। भारत में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसीलिए आज तक सफेद पोश सफेद झूठ बोलते हैं तब भी किसी को सजा नहीं होती। क्यों? आर्टिकल 19 उनको राइट दे रहा झूठ बोलने।
व्यापार। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था कि व्यापार के नाम पे भारत में हुक्का बार खुलेंगे, व्यापार के नाम पे डांस बार खुलेगा, व्यापार के नाम पे लॉटरी भी चलेगी, व्यापार के नाम पे सट्टा बार भी होगा, व्यापार के नाम पे व्याभिचार शुरू हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था। उनको एक बात दिमाग में आई थी कि हम अगर आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ बिजनेस दे रहे हैं, कहीं शराब का ठेका ना लोग खोलना शुरू कर दें, इसलिए आर्टिकल 47 में मना कर दिया। नहीं, ड्यूटी भी बल्कि डाल दिया, आप लोग नशा बंदी करेंगे, शराब बंदी करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बियर बार, डांस बार, सुट्टा बार, पता नहीं कौन कौन सा बार खोल लेंगे लोग। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये जो जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है ना, और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी वाली होड़ है, ये विकास, इससे विकास नहीं हो रहा, इससे विनाश हो रहा है। हाँ, इससे विनाश हो रहा है। हम किसी भी चीज का लाइसेंस देते समय केवल ये देखते हैं कि ये जो फैक्ट्री बन रही है इससे कितना एयर पोल्यूशन होगा, यानी इसमें जनरेटर लगेगा तो कितना एयर पोल्यूशन होगा, ये देखते हैं। लेकिन ये नहीं देखते इस फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट से कितना एयर पोल्यूशन होगा, इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे वाटर पोल्यूशन कितना होगा, इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे नॉइज पोल्यूशन कितना होगा, इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे भारत की संस्कृति मजबूत होगी या खराब होगी, ये हम जो व्यापार का लाइसेंस दे रहे हैं ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है कि नहीं, ये हम जो व्यापार का लाइसेंस दे रहे हैं ये समाज को मजबूत करेगा, समाज को बर्बाद करेगा, संस्कृति को मजबूत करेगा, संस्कृति को बर्बाद करेगा, ये स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, स्वास्थ्य को बेकार करेगा, तन मन ठीक रखेगा, तन मन को बेकार करेगा। मैं उसे किसी का विरोधी नहीं हूं। उदाहरण के लिए हमारे पास दुनिया में 2% पानी है, 4% जमीन है, जनसंख्या दुनिया की 20% है, 2% पानी है। अगर हम बाल्टी से नहाते हैं तो कितने बाल्टी पानी नहाते हैं, मैक्सिमम 2, यानी 40 लीटर पानी से नहा लेते हैं। बाथ टब मिनिमम 300 लीटर का होता है, तो बाथ टब से नहाए तो कितना पानी हमने वेस्ट किया, 300 लीटर। बाल्टी से नहाया तो मैक्सिमम 40 लीटर। बाथ टब बनाने का लाइसेंस कौन दे रहा है, कौन देता है? अब बाथ टब बनेगा तो जीडीपी तो मजबूत होगी, जितना बाथ टब की फैक्ट्रियां खुलेंगी उतना अच्छा है, जीडीपी मजबूत होगी, जितना बाथ टब बिकेगा उतना अच्छा है, जीडीपी मजबूत होगी। लेकिन पानी क्या होगा, पानी का क्या होगा? जितना बियर बार खुलेगा, जितना लोग बियर पियेंगे, जीडीपी मजबूत होगी, लेकिन भारत का, भारत की, हमारी संस्कृति का क्या होगा? जितना हुक्का बार खुलेगा, जितना लोग हुक्का पियेंगे, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, हमारी संस्कृति का क्या होगा? जितना डांस बार खुलेगा, जितना लोग डांस बार में आके डांस करेंगे, उतना जीडीपी बढ़ेगी, हमारी संस्कृति का क्या होगा? मेरा व्यक्तिगत मानना है आर्टिकल 19 में बदलाव की जरूरत है। आर्टिकल 19 में जो राइट टू बिजनेस दिया है, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, अपना व्यापार की स्वतंत्रता है, रोजगार की स्वतंत्रता है, उसमें सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी होना चाहिए। ये जो असीमित हमने दे दिया जिसका पूरी तरीके से मिसयूज हो रहा है, व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुलते जा रहे हैं, व्यापार के नाम पे एयर पोल्यूशन फैल रहा है, वाटर पोल्यूशन फैल रहा है, नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है, भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है, ऐसे ऐसे व्यापार बढ़ते जा रहे हैं जहां से व्याभिचार बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे व्यापार बढ़ते जा रहे हैं जिससे क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। अब उसको बदलाव करना है तो आपको आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, उसको बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा में 117 है, लोकसभा में कितने चाहिए आपकी बात? ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई, हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि चाहे 1930 में बना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, 1954 में बना फूड एडल्टेशन एक्ट है, 1972 में बना अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या 1986 में बना आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, 1999 में जो ट्रेडमार्क एक्ट है,
या जितने भी और कानून बने हैं ग्राहकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों की सुविधा के लिए, वो इफेक्टिव तभी हो सकते हैं जब भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी अच्छी हो और भारत की दंड व्यवस्था अच्छी हो। दंड व्यवस्था अच्छी तभी हो सकती है जब वन नेशन वन पुलिस कोड हो, वन नेशन वन पिनल कोड हो, वन नेशन एविडेंस कोड हो। वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 14 बदले। व्यापार व्यवस्था में अब समय आ चुका है कि भारत में एक वन नेशन वन बिजनेस कोड भी बनाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरीके की यूनिफॉर्म बिजनेस कोड बनाया जाए, भारतीय नागरिक संहिता की तरीके भारतीय व्यापार संहिता बनाई जाए। नहीं तो क्या हो रहा है, केवल और केवल अपने राज्यों की जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में या देश की जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में आंख बंद करके लाइसेंस दिया जा रहा है। नहीं यह देखा जा रहा है कि इससे एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा कि वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा कि नॉइज पॉल्यूशन बढ़ेगा या कल्चरल पॉल्यूशन बढ़ेगा या जो भी नुकसान, ये देखा ही नहीं जा रहा। समाज पे क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, मन पे क्या असर पड़ेगा, बाकी क्राइम बढ़ेगा कि क्या होगा, वो एग्जामिन किया ही नहीं जा रहा है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो हो रहा है लेकिन हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है लेकिन मेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो हो रहा है लेकिन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो हो रहा है, कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली हम वास्तव में विकास के साथ साथ विनाश की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं। हमारी पहचान अमीर होने में कभी नहीं रही, हमारी पहचान रही है अष्टांग योग की। हमारी पहचान, और फिर हमारे उसमें लिखा हुआ संतोषम परणम परमम सुखम। तो अगर हम चाहते हैं कि व्यापार व्यवस्था अच्छी हो, भारत में ग्राहकों को दिक्कत ना हो, ग्राहकों का प्रोटेक्शन अच्छा हो, तो आर्टिकल 14 के साथ साथ आर्टिकल 19 में बदलाव जरूरी है। देखिए, भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान रहा है अधिवक्ता बंधुओं का। आप पूरी उठा के देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अधिवक्ता, सरदार पटेल अधिवक्ता, जितनी अगर आप टॉप के लीडरशिप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर कौन थे, अधिवक्ता। इसलिए हमें दोबारा अपनी उस हनुमान शक्ति को जगाना पड़ेगा। अपना अपना काम करना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। परिवार चलाना है तो अपना प्रोफेशन पे तो ध्यान देना ही चाहिए, प्रोफेशन में अपना कमाई धमाई तो करना चाहिए। लेकिन अधिवक्ता ओपिनियन मेकर होते हैं, एक शिक्षक, एक चिकित्सक, एक अधिवक्ता। इसलिए मैं अधिवक्ता अपने बंधुओं से कहता हूं, अपनी बहनों से कहता हूं, आप सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में जरूर करिए। कुछ लोग सोचते हो कि सोशल मीडिया तो गंदी चीज है, बुरी चीज, नहीं, बहुत अच्छी चीज है। भारत में इस समय 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 30-33 करोड़ है और भारत में 50 करोड़ फेसबुक यूज करते हैं, यानी अमेरिका के 1.5 गुना लोग भारत में फेसबुक यूज करते हैं। अगर भारत के सभी अधिवक्ता 4,000 से 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना लें, 4,000 से 5,000 इसलिए कह रहा हूं कि जब आप सोचोगे, अच्छा कंटेंट लिखोगे तो कम दोस्त क्यों बनाना, 500 दोस्त क्यों बनाना, 1,000 दोस्त क्यों बनाना, फिर तो जितनी मैक्सिमम लिमिट है उतनी बनाओ ना। 1,000 5,000 मार्क जुकरबर्ग, क्या नाम है उसका जो, हाँ, अगर वो तो वो 5,000 की अगर लिमिट रखे हैं तो 5,000 बना लीजिए। जैसे बनाना हो, नाम के हिसाब से बना लो, कास्ट के हिसाब से बना लो, एरिया के हिसाब से बना लो। जैन हो, 5,500 जैन को बना लो, दुबे जी साथ 5,000 द्विवेदी बना ले, राम कुमार देश के 5,000 राम को जोड़ ले। तो नाम के हिसाब से जोड़ लो, कास्ट के हिसाब से जोड़ लो, क्षेत्र के हिसाब से, जैसे भी जोड़ना जोड़ो, लेकिन उसमें समस्या नहीं, मूल कारण अस्थाई समाधान लिखना शुरू करिए। और समस्या का मूल कारण अस्थाई समाधान ये अधिवक्ताओं से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं लिख सकता। डॉक्टर केवल शारीरिक समस्या का मूल कारण स्थायी समाधान बता सकते हैं, लेकिन सामाजिक समस्याओं का मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, यह अधिवक्ता बहुत बखूबी बता सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मूल कारण स्थायी समाधान, क्योंकि बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी बढ़ती है।
जो समस्या भारत में है अगर वो चीन में नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है उनकी दवाई अच्छी है, क्योंकि बीमारी डॉक्टर तो ठीक करता नहीं, बीमारी दवाई से ठीक होती है। ये हमें गलतफहमी है कि बीमारी डॉक्टर ठीक करता है। अरे बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, डॉक्टर तो दवा लिखता है, अच्छी दवा लिख देगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, खराब दवा होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। अल्टीमेटली शरीर के अंदर कौन जो क्या जाता है, दवाई या डॉक्टर? दवाई। तो बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, यह भी याद रखिएगा। दवा बदलने से बीमारी ठीक होती है, डॉक्टर बदलने से नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी बेसिक चीजें, बहुत ये बहुत सामान्य सी बात है, कोई नई बात थोड़ी मैं बता रहा हूं, फैक्ट है ये, यही छोटी सी बात है ये। लेकिन इतनी छोटी सी बात जन जन तक लोगों को पता नहीं है। उदाहरण के लिए कल रात को बंगाल में पत्थरबाजी हुई है, बहुत सारे ग्राहक पत्थर खा खा के हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। कभी आपने चीन में सुना ऐसी पत्थरबाजी? जोर से बताइए। सिंगापुर में सुना आपने पत्थरबाजी? अब पत्थरबाजी हो गई, उसके बाद वीडियो शेयर होना शुरू हो गए, सब शेयर करते जा रहे हैं, कोई फेसबुक पे शेयर कर रहा है, कोई ट्विटर पे शेयर कर रहा है, कोई यहां शेयर कर रहा है, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है। और एक हफ्ते दो तीन दिन लोग याद रखेंगे, तब तक अगले हफ्ते कहीं और पत्थरबाजी हो जाएगी। आज यहां मिलावटखोरी हुई, कुछ लोग बीमार हुए, एक तब वो थोड़ा फेसबुक पे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब तक अगली जगह फिर कहीं और हो जाएगी, तब वो शेयर करना शुरू कर देंगे। बीमारी का इलाज तो दवाई से ही होता है। अगर कोई समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनका शासक ज्यादा अच्छा है, उनका डॉक्टर अच्छा नहीं है, उनकी दवाई ज्यादा अच्छी है। अगर कोई समस्या भारत में है, अगर घूसखोरी कमीशनखोरी दलाली भारत में है लेकिन जापान में नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी कि उनका उनका प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, उनकी दंड व्यवस्था अच्छी है। अगर काला बाजारी मिलावटखोरी जमाखोरी मुनाफाखोरी एमआरपी वाली बात द्विवेदी जी कह रहे थे, अगर भारत में ज्यादा उसकी समस्या है लेकिन दुनिया के कई देशों में खासतौर पर जर्मनी में वो समस्या नहीं है, इसका मतलब थोड़ी तो उनका डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, अरे उनकी दवाई ज्यादा अच्छी है, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, संस्कार दे रही है, दंड व्यवस्था ऐसी है गड़बड़ करने पर रोक रही है। भाई बिन हो न प्रीत। अगर भारत में पत्थरबाजी हो रही है, भारत में धर्मांतरण हो रहा है, भारत में घुसपैठ हो रहा है, भारत में नकली पासपोर्ट बन रहे हैं, भारत में नकली आधार बन रहे हैं, नकली राशन कार्ड बन रहे हैं, नकली सब कुछ नकली नकली चल रहा है, लेकिन वो चीन में नहीं हो रहा है, या जापान में नहीं हो रहा, या सिंगापुर में नहीं हो रहा, या जर्मनी में नहीं हो रहा, बड़ी सीधी सी बात है उनका, इसका मतलब उनकी दवाई ज्यादा अच्छी, हमारी दवाई गड़बड़, दवाई बदल दीजिए बीमारी इधर भी ठीक हो जाएगी। मेरी पीआईएल चल रही है भारत में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कि 2017 मैंने पीएल फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो 2024 आ चुका है तो संख्या बढ़ चुकी है। जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला होता क्या है, बंगाल पे 2000 रुपए देते हैं बॉर्डर पे, अंदर आ जाते हैं, अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 रुपए में उनको राशन कार्ड बना के दे देता है। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बनता है वो किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3 हजार रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है। जैसे ही 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करा लेते हैं। 3 डॉक्यूमेंट होता है फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। 4 डॉक्यूमेंट होता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, तहसील से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। 5 डॉक्यूमेंट होता है, इस बीच में कोई इलेक्शन आता है, किसी नेता को पकड़ते हैं, पार्षद प्रधान को, वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है, और जुड़ने के बाद वो जनधन खाता खुलवा लेता है। प्रधानमंत्री सारी योजनाएं, केंद्र की सारी योजनाएं, राज्य की सारी योजनाएं, माइनॉरिटी कमीशन की सारी योजनाएं, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री की सारी योजनाएं, सारी योजनाओं का फायदा उठा रहा है। समस्या है घुसपैठ, और रूट काज क्या है? घूसखोरी। तो कई बार ऐसी भी है, बीमारी जो होती है उसका रूट काज कुछ अलग होता है। कई बार अपने शरीर में देखा होगा सर दर्द होता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां नहीं होती, प्रॉब्लम लीवर में होती, पेट में गैस बनती है और सर दर्द शुरू हो जाता है। तो दिखता दर्द हमें यहां पे है, बीमारी कहां होती है? लीवर में।
पेट में, गैस पेट में बनती है सीना दर्द करता है, गैस पेट में बनती है सर चकराता है। इसलिए जापान में एक टेक्निक यूज करते हैं वाईवाई एनालिसिस। अधिवक्ता बंधुओं को हर समस्या में 5 बार वाई जरूर लगाना चाहिए, उसको कहते हैं वाईवाई एनालिसिस। किसी भी समस्या में आप 5 बार वाई लगाइए तो रूट काज क्या मिलेगा, या तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, या कानून व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, या न्यायिक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, और कुछ नहीं है। मैं चूंकि ये वीडियो केवल 30,000 के अलावा भारत में बहुत सारे अधिवक्ता देखेंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके जीवन में जितनी समस्याएं आ रही हो उसमें 5 बार वाई लगाइए, आपको रूट काज यही मिलेगा, या तो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है या न्यायिक व्यवस्था में गड़बड़ी है, और कुछ नहीं है। यानी अल्टीमेटली कानून या तो घटिया है या तो कानून नहीं है। मेरा एक बात यह भी मानना है, जागरण आवश्यक है, लेकिन जागरण के साथ साथ दंड आवश्यक है। उदाहरण के लिए इस समय पूरे भारत में जागरण हो चुका है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। है कोई ऐसा जिसको यह नहीं पता हो कि हेलमेट नहीं पहनना चाहिए? पूरे भारत में जागरण हो चुका है, हेलमेट से हमारी रक्षा होती है, दूसरों की नहीं होती बल्कि खुद ही होती है। तो क्या कारण है कि दिल्ली में तो लोग हेलमेट पहनते हैं, दिल्ली के बाहर छोड़ देते हैं हेलमेट पहनना, जबकि उससे खुद की रक्षा है, खुद की सुरक्षा है, जागरण भी है, पता भी है कि ये हमें बचाएगा, हमें हमारी खोपड़ी को बचाएगा, तो क्यों नहीं पहनते? क्योंकि दिल्ली में भय है, सीसीटीवी लगा हुआ है, पकड़ लेंगे, चलान हो जाएगा। बाहर लगता सीसीटीवी नहीं है, चलान नहीं होगा। इंसान को सीधा करने के लिए केवल जागरण पर्याप्त नहीं होता, इंसान को ठीक से लाइन पर रखने के लिए केवल संस्कार पर्याप्त नहीं होता, इंसान को ठीक से रखने के लिए जो भगवान राम ने बोला है भय बिन होय, जो विदुर ने बोला सठे साठ्यम, ये भारत जो ग्राहकों के साथ यहां इतना हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग बीमार हो चुके नकली दवाइयां खाके। अभी तो दिल्ली में द्विवेदी जी कुछ दिन पहले कैंसर की नकली दवाई बिक रही थी, कैंसर की। बस सोचिए जरा, सबसे खतरनाक बीमारी और उसकी भी नकली दवाई, वो मर जाएगा तो लोग ये हो जाएगा भैया कैंसर में तो कोई बचता ही नहीं, तो मर गया तो मर गया। इसलिए भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, भारत के नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है। अब मेरा यह मानना है कि अब जैसे हम एयरपोर्ट बनाते समय देखते हैं अमेरिका वाला एयरपोर्ट कैसे है, हाईवे बनाते समय देखते हैं सिंगापुर वाला हाईवे कैसे है, कुछ और भी काम करते हैं तो देखते हैं अच्छा शॉपिंग मॉल वाला वहां वाला शॉपिंग मॉल कैसा है, वहां वाला क्या है। अब समय आ गया है हम अपने नियम कानूनों को देखें, हमारा वाला नियम कानून बाकी वाले नियम कानून से कैसा है। और बहुत आसानी से हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब 30,000 कोर्ट में 50,000 वकील है तो भारत में कुल वकीलों की संख्या कितनी है? लगभग 20 लाख के आसपास हो चुकी है। भारत में इस समय 1700 तो ला कॉलेज है, 1700। अगर प्रत्येक ला कॉलेज को प्रोजेक्ट के रूप में दे दिया जाए, भाई आपको हर साल एक कानून को रिव्यू करना है, उससे पैरेलल जो दुनिया में कानून चल रहे हैं उनको देखना है, एग्जामिन करना है, और उस कानून का बेस्ट ड्राफ्ट बना के देना है आपको, तो सबसे बड़ा फायदा तो ला कॉलेज के बच्चों को हो जाएगा जो ला कर रहे हैं, और वहां की फैकल्टी को हो जाएगा, एक उनको अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल गया कि भाई वो भी देख रहे हैं, कंपेटिटिव स्टडी कर रहे हैं। हमारे जो ला कॉलेज का करिकुलम है ना, उसको रिडिजाइन करने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, आईपीसी रटा रहे हैं, सीपीसी रटा रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रटा रहे हैं, एविडेंस एक्ट रटा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं इसके पैरेलल कंपेरेटिव स्टडी नहीं हो रही है। हमारे आईपीसी और अमेरिका, हमारे यहां जिसको आईपीसी कहते हैं अमेरिका में उसको एफपीसी कहते हैं, फेडरल पिनल कोड कहते हैं। अंतर क्या है, हमारे यहां क्राइम खत्म करने के लिए 50 कानून, मिलावटखोरी का अलग, मुनाफाखोरी अलग, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उनका एक किताब है, सिंपल एक किताब, उसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। मैं ला नहीं पाया, नहीं तो मैं दिखाता उसको। उस फेडरल पिनल कोड में उन्होंने सारे जितने भी क्राइम है
सबको एक किताब में डाल दिया, चैप्टर वाइज, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, करते 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 125 चैप्टर की एक किताब बना दिया उन्होंने। अब एफआईआर लिखने वाले को अच्छा है, उसको बार बार अलग अलग किताब नहीं खोलेगी, एक ही किताब है इंडेक्स, वो बार बार पढ़ता जाएगा, जब भी एफआईआर लिखना होगा इंडेक्स देखेगा, इंडेक्स देखेगा, अल्टीमेटली उसको सारे चैप्टर याद हो जाएंगे। अच्छा, साइबर फ्रॉड चैप्टर नंबर ये, मिलावटखोरी चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर ये, वो एक ही किताब को बार बार खोल रहा है, खोलते 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 उसको सारे चैप्टर याद हो जाते हैं, सारी धाराएं भी याद हो जाती हैं। अभी तो चूंकि अलग अलग खोलना पड़ता है, नतीजा ये है वकील भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, जज भी परेशान है, पुलिस वाले भी परेशान है, एफआईआर लिखने वाला भी परेशान है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी परेशान है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत में दो रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म की और बिजनेस रिफॉर्म की। अगर वास्तव में हम ग्राहकों का हित सुरक्षित करना चाहते हैं, अब समय आ गया है भारत में एक भारतीय व्यापार संहिता लागू किया जाए। भारतीय व्यापार संहिता लागू करने के लिए आर्टिकल 19 को बदलना होगा और कम से कम जो भी व्यापार की अनुमति दे तो उसमें यह देख लें इससे भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है या मजबूत हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है या स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, लोगों का तन मन ठीक हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है, वो देखना जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। 19-14 चूंकि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 चाहिए होता है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब की बार यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। आप लोग सुने इतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।